बाल विज्ञान सम्मेलन उपमंडल हमीरपुर के 3 दिवसीय समापन समारोह की अध्यक्षता जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उप जिला शिक्षा अधिकारी देशराज फरवाल ने की। बच्चों के द्वारा विभिन्न विषयों पर मॉडल तैयार किए गए। जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति के बिना मानव का अस्तित्व जीरो है। हम हमेशा प्रकृति से विभिन्न साधनों का प्रयोग अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कभी प्रकृति की बिगड़ती हालत के बारे में नहीं सोचते हैं। बाल विज्ञान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी का सुंदर एवं स्वच्छ राष्ट्र के लिए योगदान है, जिसके द्वारा बच्चों को पर्यावरण से जुड़ी, पृथ्वी से जुड़े तथा जल और वायु के शुद्धिकरण हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा उन्हें आने वाली चुनौतियों से अवगत करवा के उनके समाधान हेतु प्रेरित किया जा रहा है। मंडल स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का समापन समारोह में हमारे आज के जो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन है, मुख्य अतिथि आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये 3 दिन का जो कार्यक्रम हुआ, बच्चों के लिए एक बहुत ही एक्सपोजर यहाँ पे मिला। जहाँ तक एक्टिविटीज की बात थी, हमने बच्चों में मैंने देखा कि जब मैं इनका निरीक्षण कर रहे थे हम लोग, तो बच्चे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ रहे थे, बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी उनके अंदर। और जो प्रश्न वो स्कूल स्तर पर नहीं पूछ सके, उनका भी यहाँ पे उनको हल किया गया। दूसरी, हमारी जो एग्जीबिशन लगा था मॉडल्स का, बहुत बढ़िया लगा। ऐसे ऐसे आइडिया हमारे बच्चों ने तैयार किए थे। एक बच्चे ने केवल 20 और 25 रुपए की लागत से एक वाटर लेवल का इंडिकेटर बनाया था, बहुत ही बढ़िया काम उसने किया था। एक बच्चे ने कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करने की कोशिश से ऑक्सीजन बनाने की बात कही थी। और इसी प्रकार एक स्कूल ने, जो हमारे पास किचन का पानी होता है, बाथरूम का पानी होता है, जिसको हम ग्रे वाटर कहते हैं, उसके शुद्धिकरण के लिए उसकी आईपीएच जो पीएच वैल्यू थी वो 14 के करीब थी जब वो अशुद्ध जल था, उसको 7 तक डिक्रीज करने में कोशिश की है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बच्चों ने तैयार किए गए थे। लगभग 511 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। और इसी के साथ कुछ हमारे 15 बच्चे जो जिनको कहेंगे कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सी एक्टिविटीज में भाग लिया। हमारी कोशिश है कि इन बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़ें, और जो वैज्ञानिक तकनीक है, जो साइंस और जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ जोड़कर इनके जो विचारों को उनके अंदर उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। ऐसी ऐसे जो हमारे टीचर्स हैं, इनको प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, और ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हम बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पर बुलाकर उनको इसी प्रकार से प्रोत्साहन देते हैं, ताकि वो बच्चे आगे चलकर रिसर्च साइंस में अपना जो भाग्य है उसको अजमा सके। मैं समझता हूँ कि रिसर्च साइंस एक बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कैरियर है। हमारे बहुत से जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इस कैरियर के बारे में नहीं जानते हैं। वो अपने जो उनके बच्चे होते हैं, या तो उनको डॉक्टर बनाने के चक्कर में रहते हैं, या फिर कहीं उनको प्राइवेट फर्म में भेजने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर साइंस के लिए इन बच्चों को अट्रैक्ट करना ही हमारा मुख्य मुद्दा है, और जो दिनचर्या की घटनाएं हैं उनको साइंस के साथ जोड़कर उसका प्रचार और प्रसार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस बाल विज्ञान सम्मेलन का कार्यक्रम होगा 24 से 26 गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर में होगा। तो इसमें हमारी जो एक्टिविटीज कॉर्नर्स के साथ साथ मॉडल्स एग्जीबिशन होगा, क्यूज होगा, मैथमेटिक्स ओलंपियाड होगा, साइंस किट होगा, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण वहां कंपटीशन होते हैं वो सर्वे बोर्ड्स के ऊपर होते हैं, जिसमें पूरे जिला के जो सब डिविजन लेवल के जो बच्चे चुने गए हैं वो भाग लेंगे। उसके अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाले बच्चे वो भी वहां पे बुलाए गए हैं। वहीं मुख्य अतिथि उप जिला शिक्षा अधिकारी देशराज फरवाल ने बताया कि आज बाल विज्ञान सम्मेलन में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और सम्मेलन में खास बात ये रही कि दिव्यांग बच्चों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया और मॉडल तैयार किए। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है। साइंस कांग्रेस का हुआ, इसमें खास बात ये रही कि जो हमारे CWS जो बच्चे विकलांग हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, और खासकर हमीरपुर के बच्चों की जो हिस्सेदारी है वो बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई लिखाई में वैसे भी बच्चे बहुत आगे हैं, और हमें तो इस प्रोग्राम के जरिए ऐसी आशा रहती है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है हर स्कूल तक, हर बच्चे तक पहुँचे, ताकि हम बहुत अच्छे बच्चे जो है वो इसे सरकारी तंत्र के जरिए निकाल पा सकें। ये रहेगा कि बेटा बिना पढ़ाई किए, बिना कर्म किए, बिना प्रयत्न किए हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में कंपटीशन का जमाना, प्रतियोगिता का वक्त है, और प्रतियोगिता करने के लिए हमें हर क्षण मेहनत करते रहना है।